अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो आपकी करंट अफेयर्स रिलेटेड है। अप्रैल में जो भी 2022 में हुआ, जितने भी इवेंट्स हुए नेशनल इवेंट्स, उससे रिलेटेड आज की वीडियो है। आपको ये 11th में एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और जितने भी AMU के एंट्रेंस होते हैं जिसमें करंट अफेयर आती है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प इससे मिल जाएगी इस वीडियो से। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली आपका थ्योरी से रिलेटेड वीडियो है, इसमें कोई भी MCQs नहीं है। बस आपको जो भी इवेंट्स हुए हैं अप्रैल में वो इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC एस्टिमेटेड हाउ मच GDP ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कितने GDP ग्रोथ का कहा है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 7.2%। उसके बाद है, हु बिकेम द फर्स्ट एवर रिसेप्शनिस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ऑन अप्रैल 24, 2022। वो कौन से ऐसे पहले शख्स हैं जिनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अप्रैल 2024 में दिया गया था फर्स्ट टाइम। तो वो है PM नरेंद्र मोदी। उसके बाद विच एयरलाइन ओन्ड बाय टाटा सन्स विल एक्वायर एयर एशिया इंडिया अ लो कॉस्ट इंडियन एयरलाइन। टाटा सन्स ने किस एयरलाइन को ख़रीदा है जिसको सबसे लो कॉस्ट इंडियन एयरलाइन भी कहा जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एयर इंडिया। उसके बाद ऑन विच डे गुरु तेग बहादुर जयंती वॉज ऑब्जर्व, तो इसका आएगा 21 अप्रैल। उनके बाद ऑन विच डे नेशनल सिविल सर्विस डे वॉज ऑब्जर्व, नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 21 अप्रैल। उसके बाद इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 7 न्यू कैंसर हॉस्पिटल। किस स्टेट में PM नरेंद्र मोदी ने जो है 7 न्यू कैंसर हॉस्पिटल का जो है अभी आगाज़ किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका स्टेट आसाम स्टेट में। उसके बाद है, हु सरपास विराट कोहली टू बिकेम फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 6000 T20 रन्स। किसने जो है अभी विराट कोहली से आगे निकलते हुए T20 में 600 फास्टेस्ट रन बनाए 6000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर है आपका KL राहुल। विच प्रोजेक्ट बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवार्डेड द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड। किस प्रोजेक्ट को जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने बनाया था उसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड का से मिला है अवार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अटल टनल प्रोजेक्ट को। उसके बाद है, विच स्टेट वॉज रैंक एट द टॉप इन नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 अमंग द लार्जर स्टेट विद अ स्कोर ऑफ 50.1 पॉइंट्स। किस स्टेट को जो लार्जर स्टेट में, कौन से स्टेट इंडिया के स्टेट को नीति आयोग का फर्स्ट रैंक पे मिला है क्लीन जो है क्लाइमेट की वजह से। तो उसका करेक्ट जो आएगा वो आएगा गुजरात। उसके बाद विच स्टेट रैंक एट द टॉप पोजिशन अमंग द स्मॉलर स्टेट। अब आपको बताना है कि स्मॉलर स्टेट में किसको टॉप नीति आयोग ने क्लीन एनवायरनमेंट और क्लाइमेट में दिया है, टॉप पे कौन रैंक किया है। तो इसका जो स्मॉलर आपका स्टेट में आएगा गोवा। उसके बाद नेम द कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेयर हु बिकेम द फर्स्ट ओवरसीज स्पिनर इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग IPL टू रीच द 150 विकेट माइलस्टोन। वो कौन से ऐसे कोलकाता नाइट राइडर के प्लेयर हैं जो कि ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर के लिए खेलते हैं और वो इंडिया IPL में फर्स्ट ऐसे पर्सन बने जिन्होंने 150 विकेट्स लिए हैं। तो इनका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सुनील नारायण। उसके बाद द इंडियन एयरफोर्स IAF हैज टाई अप विद इंडियन IIT विद द एम टू एक्सेलरेट। किस इंडियन एयरफोर्स ने किस IIT को इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो है साझेदारी की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो आएगा IIT मद्रास। उसके बाद ऑन विच डेट द मच अवेटेड IPO ऑफ LIC विल ओपन फॉर इन्वेस्टर्स। किस डेट में LIC के को ओपन किया गया था इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4 मई को। इंडियन रेसलर हु क्लिंच द गोल्ड मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। किस इंडियन रेसलर ने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है रवि कुमार दहिया। उसके बाद नेम इंडियन बिजनेस टाइकून हु हैज ओवरटेकन वॉरेन बफेट टू बिकम द 5th richest पर्सन इन द वर्ल्ड। कौन सा इंडियन बिजनेसमैन है जो वॉरेन बफेट से आगे निकल गए और दुनिया के 5th richest पर्सन के पे आते हैं।
उसका आएगा गौतम अडानी। उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्ट फाइनेंस एंड सीएफओ ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल गैस एक्सप्लोरर एंड प्रोड्यूसर ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। किसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर के रूप में, जो आपकी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है उसके उसको जो है डायरेक्टर बनाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हुआ है पोमिला जयसपाल। उसके बाद है हु हैज इक्वल्ड रोहित शर्मास रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सेंचुरीज बाय एन इंडियन प्लेयर इन T20 क्रिकेट। किस इंडियन प्लेयर ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे ज्यादा सेंचुरीज इंडियन T20 क्रिकेट में बनाने के लिए, तो जो प्लेयर है वो है KL राहुल। उसके बाद ऑन विच डे अम्बेडकर जयंती वॉज ऑब्जर्व, तो इसका आएगा 14 अप्रैल। उसके बाद हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 150 विकेट इन IPL हिस्ट्री, वो कौन से इंडियन बॉलर है जिसने अभी तक सबसे ज्यादा 150 विकेट लिए IPL में, तो आएगा भुवनेश्वर कुमार। उसके बाद एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडियन सरपास हाउ मच बिलियन डॉलर, इंडिया में कितने बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है 2021-22 में एग्रीकल्चर की, तो आएगा $15 बिलियन की। उसके बाद ऑन विच डे सियाचिन डे इज ऑब्जर्व, सियाचिन डे जो है कब मनाया जाता है, तो इसका आएगा 13 अप्रैल। उसके बाद नेम द नाइक का फाउंडर एंड CEO हु वॉन द AI एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑन April 12, 2022। आपको नाइक का फाउंडर और CEO का नाम बताना है जो जिनको अभी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 12 अप्रैल को दिया गया था, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फाल्गुनी नैयर। उसके बाद हु बिकेम द सेकंड इंडियन आफ्टर विराट कोहली टू स्कोर 10,000 रन इन T20 क्रिकेट, वो कौन से ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जो कि विराट कोहली के बाद सेकंड प्लेयर बना है जिन्होंने 10,000 रन बनाए T20 क्रिकेट में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है रोहित शर्मा। उसके बाद नेम द मेड इन इंडिया 7-सीटर एयरक्राफ्ट दैट अंडरटूक इट्स फर्स्ट कमर्शियल एविएशन फ्लाइट फ्रॉम अपर आसाम, वो मेड इन इंडिया 7-सीटर एयरक्राफ्ट जिसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली है आसाम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसका आएगा आपका उस एयरक्राफ्ट का नाम बताना आपको तो डॉर्नियर 228। उसके बाद इन विच स्टेट 30 न्यू डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड ऑन April 4, 2022, इंडिया के किस स्टेट में 30 न्यू डिस्ट्रिक्ट को जो है जोड़ा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आंध्र प्रदेश। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, किसको न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया गया है, तो इसका आएगा विनय मोहन क्वात्रा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी हैज बीन प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच परसेंट इन द करेंट फिस्कल एज पर एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया की इकोनॉमी में कितने परसेंट की ग्रोथ आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक, तो इसका आएगा 7.5%। उसके बाद एनी इनकम अर्न फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो एसेट्स विल बी टैक्सेड बाय हाउ मच परसेंटेज, अगर कोई भी इनकम हम लोग जो है क्रिप्टो से करते हैं क्रिप्टो करेंसी से तो उस पर कितने परसेंट का टैक्स लगेगा, तो उसका आएगा 30%। उसके बाद ऑन विच डे गुदी पड़वा फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड, तो इसका आएगा 2 अप्रैल। तो ये जितने भी थे ये आपके नेशनल इवेंट्स थे जो कि अप्रैल 2022 में हुए हैं, ये करंट अफेयर है आपका जो है इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, इसको अच्छे से पढ़ लिएगा, इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जल्दी आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। तो